तो गाइज हमने मंगाया है दुनिया का सबसे सस्ता माइक। जी हाँ, दुनिया का सबसे सस्ता माइक। क्या बोला तूने? लगता है हमने कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। सॉरी, ये हम गरीबों के लिए सस्ता माइक है। तो चलो भाइयों, बिना टाइम वेस्ट किए माइक की अनबॉक्सिंग करते हैं और चेक करते हैं क्या ये प्रोडक्ट एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी चेक करेंगे, सब चीज चेक कर देंगे आज हम। इसकी साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, सब कुछ। टेंशन नहीं लेने। क्या पागल है क्या? मैं सोच रहा हूँ इसको अपने भाई से अनबॉक्स करवाऊँ। खोलो खोलो। बाबा आप ही कर लो, ऐसा मत करो, मैं पागल नहीं हुई। अरे यार, भाई ने तो इसे वापस कर दिया। कोई बात मैं हूं ना। तो भाइयों, ये है बॉक्स जो मुझे फ्लिपकार्ट से मिला इतनी अच्छी पैकिंग के साथ। चलो इसे अपने स्टाइल में ओपन करते हैं। टन टन। क्या सोच है रे तेरी? मानना पड़ेगा। तो ये है इस माइक्रोफोन का बॉक्स। तो आपको यहाँ पर मोनो ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और साथ में प्रोडक्ट की इमेज देखने को मिल जाती है और साइड में प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस और फीचर दिए गए हैं। जैसे कि ये ओमी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, चारों तरफ से ऑडियो रिकॉर्ड करेगा और इसमें आपको नॉइज़ कैंसिलेशन भी देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो आप इसको फ़ोन के साथ, कैमरे के साथ और आप इसको प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में आप इसको पीसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बैक साइड में इसका मॉडल नंबर दिया गया है और यहाँ पर इसका प्राइस 999 हो रहा है, बट मैंने इसे फ्लिपकार्ट से 295 में परचेज़ किया था और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको इसे परचेज़ करना है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। तो चलो अब हम बॉक्स को जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर कोई सील नहीं दी गई है तो मैं इसे डायरेक्ट ही ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर कैरी बैग दिया गया है जिस पर माउनो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और जो भी माइक और इसकी एसेसरीज़ हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। और बॉक्स के अंदर आपको दो कार्ड देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला कार्ड है वो यूज़र गाइड है और दूसरा कार्ड कंपनी की तरफ से है। इसमें कंपनी की कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। चलो अब इन दोनों चीज़ों को दूर फेंकते हैं और अपने मेन मुद्दे की बात करते हैं और माइक को देखते हैं। वैसे ये कैरी बैग की क्वालिटी अच्छी दी गई है। मैं इसे ऐसे ओपन कर लेता हूँ। ओ भाई, माइक। लगता है हमारे साथ स्कैम हुआ है। अरे रुको रुको, मैं तो भूल ही गया था कि ये जो वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो इसी माइक से हो रही है जो हमने परचेज किया है। तो ये है हमारा माइक। इस माइक के साथ एक क्लिप और TRRS कनेक्टर दिया गया है। क्लिप के हेल्प से आप माइक को कॉलर पर इजीली लगा सकते हैं। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस प्राइस रेंज में इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और वायर की लेंथ 2 मीटर लंबी है। चलो अब इसके साउंड रिकॉर्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि ये माइक किस तरह की ऑडियो रिकॉर्ड करता है, क्योंकि अभी तक मैं इस माइक को अपने फ़ोन से कनेक्ट करे हुए हूँ। एक बार मैं आपको इस माइक को फ़ोन से डिसकनेक्ट करके अपनी मधुर आवाज़ सुना देता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि इस माइक को हटाकर कुछ हमें ऐसा साउंड सुनने को मिलता है। मैं माइक दोबारा अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इसे मुँह के 2 इंच
की दूरी पर लेकर आता हूँ तो हमें कुछ साउंड ऐसा सुनने को मिलता है, और कॉलर पर लगाने पर हमें कुछ साउंड इस तरह का सुनने को मिलता है। अब मैं 5 सेकंड के लिए खामोश हो जाता हूँ तो आप ये देख पाएंगे कि ये कितना बैकग्राउंड नॉइज़ कैप्चर करेगा। तो अब आपको अच्छे से इसका अंदाज़ा हो गया होगा और आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये माइक्रोफोन आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। अब मैं इसके प्रोज़ एंड कॉन्स बता देता हूँ। सबसे पहले इसके प्रोज़ जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसका प्राइस काफ़ी एग्रेसिव है, और लास्ट में इसकी ऑडियो क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस प्राइस रेंज में। और इसके कॉन्स की बात करें तो मुझे इसमें दो कॉन्स दिखे। सबसे पहला कॉन्स ये था कि वायर की लेंथ 2 मीटर लंबी है, और दूसरा कॉन्स ये है जो नॉइज़ कैंसिलेशन है इसका वो काफ़ी कम है। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू मोनो के AU-400 माइक्रोफोन का। वैसे मुझे तो ये माइक काफ़ी अच्छा लगा इस प्राइस रेंज में। ये माइक हम जैसे छोटे बिगनिंग यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी अच्छा है और बजट में भी है। अगर आप भी हम जैसे छोटे यूट्यूबर हो तो आप इस माइक्रोफोन को परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर मेरी ये रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो गाइज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।